आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। लॉकडाउन का उल्लंघन कर पर्व मनाने पुकारो गया झमाड़ा कर्मी, वापस लौट चुपचाप पहुंचा ड्यूटी करने। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल आजाद सिपाही, मैं हूं सूरज कुमार। लोग लॉकडाउन का बार बार उल्लंघन करते रहेंगे, सरकार के अपील को भी अनसुनी करते रहेंगे, संक्रमित जिलों में लुक छिप कर आते जाते रहेंगे, गलती करने के बाद जाँच के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास या संबंधित अस्पताल में नहीं जाएंगे, सरकारी अधिकारियों के निर्देश के बाद भी उसका पालन नहीं करेंगे और इधर उधर घूमकर लोगों को भयभीत करते रहेंगे। ज्ञात हो कि पूरा देश महामारी कोरोना वायरस से कराह रहा है। देश के सभी राज्यों सहित झारखंड में भी इस वैश्विक महामारी ने अपने पैर तेजी से पसारने शुरू कर दिए हैं। रांची, हजारीबाग, कोडरमा व बोकारो में कोरोना के मरीज मिलने व उनमें हो रही लगातार वृद्धि को रोकने के लिए राज्य सरकार सहित पुलिस प्रशासन परेशान है, जिससे आम लोग भी भयाक्रांत हैं। देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन लगातार घरों में रहने व लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह इस महामारी के फैलाव को रोका जा सके। लेकिन भारी लापरवाही व गलतियों का एक ऐसा ही मामला झरिया के जामाडोबा स्थित झमाड़ा जल संयंत्र केंद्र में शनिवार को प्रकाश में आया, जब वहां कार्यरत एक कर्मी को झमाड़ा अधिकारियों ने कार्य से वापस लौटा दिया और संबंधित नजदीकी स्वास्थ्य जांच केंद्र में जांच करवाने की बात कही। बताते चले कि जामाडोबा स्थित झमाड़ा जल संयंत्र केंद्र में पंप खलासी के पद पर कार्यरत मोहम्मद जमील अख्तर एक सरकारी कर्मचारी है, जिनके कंधों पर लोगों को पेयजल आपूर्ति करने की बड़ी जिम्मेवारी है। लेकिन झमाड़ा प्रबंधन के द्वारा जागरूक रहने के सख्त निर्देश के बावजूद कोरोना महामारी के विरुद्ध लागू किए गए लॉकडाउन का उल्लंघन कर अपने पुत्र के साथ खतरनाक कोरोना वायरस से संक्रमित बोकारो जिले के चीराचास स्थित अपने रिश्तेदारों के यहाँ गुपचुप तरीके से पर्व मनाने चले जाते हैं। दो दिनों के बाद शनिवार को सुबह लौट भी आते हैं और कोरोना महामारी के खतरों से जानबूझकर अनजान बनते हुए द्वितीय पाली के दौरान जल संयंत्र केंद्र में ड्यूटी करने भी पहुंच जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से दूसरे जिले से उनके आने जाने की जानकारी फोरमैन इंचार्ज सुमेंद्र यादव को हो जाती है और वे इसकी जानकारी तत्काल रूप से झमाड़ा के वरीय अधिकारियों को दूरभाष पर देते हैं। सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारियों के निर्देश पर उन्हें सेवा में योगदान देने से तत्काल रोक लगाते हुए स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाने के निर्देश के साथ वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन लापरवाही का आलम तो देखिए, उक्त कर्मी दो दिनों तक अपने घर व उसके आसपास घूमता रहता है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाकर अपनी जांच करवाने की जहमत नहीं उठाता। वहीं दूसरी ओर उनके दूसरे जिले से आने की खबर झमाड़ा कॉलोनियों में रहने वाले उनके पड़ोसियों को लग जाती है। वे सभी लोग भयभीत होकर उन्हें समझाते हुए जाँच करवाने की बात कहते हैं, लेकिन फिर भी वो कर्मी सभी की बातों को दरकिनार कर चुपचाप इधर उधर घूमकर अपना समय व्यतीत करता रहा। इस संबंध में झमाड़ा जल संयंत्र केंद्र के एसटीओ पंकज कुमार झा से इस बाबत दूरभाष पर पूछे जाने पर उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि संबंधित कर्मी के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन कर दूसरे जिले में जाने की जानकारी मिली है, इसलिए उसे ड्यूटी नहीं दी गई। स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में जांच करवाने का निर्देश दिया गया, यदि फिर भी वो निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वरीय अधिकारियों को कार्रवाई हेतु सूचना प्रेषित की जाएगी। वहीं इस संबंध में जब आजाद सिपाही संवाददाता के द्वारा झमाड़ा कॉलोनी स्थित अपने आवास के समीप उपस्थित कर्मी जमील अख्तर से पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार करते हुए संवाददाता से कन्नी काट लिया। जमील अख्तर ड्यूटी आया था, किस कारण से लौटा दिया गया उसे? लौटा दिया गया कि बिना पूछे हुए जिला से संक्रांत जिला में चला गया था, उसको रिपोर्ट कलेक्ट कर दिया गया था कि सर यहाँ का स्टाफ ड्यूटी में से बिना अनुमति के दूसरा जगह चला गया। कहाँ गया था वो? बोकारो चार्स। तो आपने किसको सूचना दिया? टीएम को। तो टीएम साहब क्या बोले? टीएम साहब बोले कि वो आएगा तब पहले उसको ड्यूटी पर नहीं लीजिएगा, वो अपना घर में रहने के लिए कह दीजिएगा, उधर से जाँच होगा, जाँच के उपरांत उसको ड्यूटी लिया जाएगा। तो कितने बजे ड्यूटी आया था? 2 बजे। तो आज आपने ड्यूटी से वापस कर दिया? हाँ, ड्यूटी से। टीएम के आदेश अनुसार उनसे मोबाइल से बात किए और टीएम साहब बोले कि नंबर लौटा दीजिए। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमेंद्र यादव। किस पोस्ट पे? फॉरमैन के पोस्ट पर। आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है, आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं।